कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में सरकार की लापरवाही और कंजूसी के कारण इनकी बातें सुनिए, इनके भाषण सुनिए तो ऐसा लगता है 2014 के बाद ही भारत बना है। गलत आरोप, गलत आरोप। मैंने मान लिया कांग्रेस डूबता जहाज है, मैंने मान लिया कांग्रेस गड्ढे में गई। अब आप बोलिए, सरकार को चाहिए कि इनकी डिमांड्स को सुने, गंभीरता से सुने। साइबर फ्रॉड जो है कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन ठगी का शिकार सबसे ज्यादा युवा और पढ़े लिखे लोग, किसी के लालच में, किसी के ढांचे में नहीं है। सभी ने अनुरोध करता हूं कि वे जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्राम पंचायतों एवं पानी समितियों के लिए बनाई गई मार्गदर्शिका का विमोचन करें। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सबने अनुरोध करता हूं कि वे एक लघु फिल्म के माध्यम से जल जीवन मिशन के लोगों का अनावरण करें। जल जीवन मिशन। और इस नवनिर्मित 7 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के द्वारा प्रतिदिन 15,25,00,000 लीटर दूषित पानी को गंगा में जाने से रोका जा सकेगा। साथ ही चंडीघाट पर नवनिर्मित गंगा संग्रहालय द्वारा माँ गंगा के विभिन्न आयामों का जीवंत प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री से सभी ने अनुरोध करता हूँ कि वे नमामि गंगे के अंतर्गत उत्तराखंड की इन परियोजनाओं को लोकार्पण करें। सर, अब मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से सविनय अनुरोध करना चाहूंगा कि वे इस अवसर पर अपना संबोधन, दिग्दर्शन एवं आशीर्वचन देने की कृपा करें। उत्तराखंड की गवर्नर श्रीमती बेबी रानी मौर्या जी, मुख्यमंत्री श्रीमान त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी गजेंद्र सिंह शेखावत जी, डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्री रतनलाल कटारिया जी, अन्य अधिकारीगण और उत्तराखंड के मेरे भाई और बहनों, चार धाम की पवित्रता को अपने में समेटे
देवभूमि उत्तराखंड की धरा को मेरा आदर पूर्वक नमन। आज मां गंगा की निर्मलता को सुनिश्चित करने वाले 6 बड़े प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। इसमें हरिद्वार, ऋषिकेश, बद्रीनाथ और मुनि की रेती में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और म्यूजियम जैसे प्रोजेक्ट भी शामिल है। इन तमाम प्रोजेक्ट के लिए उत्तराखंड के सभी साथियों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, अब से कुछ देर पहले जब जल जीवन मिशन के खूबसूरत लोगों का और मिशन मार्गदर्शिका का भी विमोचन हुआ है, जल जीवन मिशन भारत के गांवों में हर घर तक शुद्ध जल पाइप से पहुंचाने का एक बहुत बड़ा अभियान है। मिशन का लोगो निरंतर इस बात की प्रेरणा देगा कि पानी की एक एक बूंद को बचाना आवश्यक है। वहीं ये मार्गदर्शिका गांव के लोगों, ग्राम पंचायत के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी सरकारी मशीनरी के लिए आवश्यक है। ये परियोजना की सफलता सुनिश्चित करने का बहुत बड़ा माध्यम है। साथियों, आज जिस पुस्तक का विमोचन हुआ है उसमें भी विस्तार से ये बताया गया है कि गंगा किस तरह हमारे सांस्कृतिक वैभव, आस्था और विरासत तीनों का ही बहुत बड़ा प्रतीक है। उत्तराखंड में उद्गम से लेकर पश्चिम बंगाल में गंगा सागर तक गंगा देश की करीब करीब आधी आबादी के जीवन को समृद्ध करती है और इसलिए गंगा की निर्मलता आवश्यक है, गंगा जी की अविरलता आवश्यक है। बीते दशकों में गंगा जल की स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े अभियान शुरू हुए थे, लेकिन उन अभियानों में न तो जन भागीदारी थी और न ही दूरदर्शिता। नतीजा ये हुआ कि गंगा का पानी कभी साफ ही नहीं हो पाया। साथियों, अगर गंगा जल की स्वच्छता को लेकर वही पुराने तौर तरीके अपनाए जाते तो आज भी हालत उतनी ही बुरी रहती, लेकिन हम नई सोच, नई अप्रोच के साथ आगे बढ़े। हमने नमामि गंगे मिशन को सिर्फ गंगा जी की साफ सफाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे देश का सबसे बड़ा और विस्तृत नदी संरक्षण कार्यक्रम बनाया। सरकार ने चारों दिशाओं में एक साथ काम आगे बढ़ाया। पहला, गंगा जल में गंदा पानी गिरने से रोकने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का जाल बिछाना शुरू किया। दूसरा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट ऐसे बनाए जो अगले 10-15 साल की भी जरूरतें पूरी कर सके। तीसरा, गंगा नदी के किनारे बसे
100 बड़े शहरों और 5000 गांवों को खुले में शौच से मुक्त करना, और चौथा, जो गंगा जी की सहायक नदियां हैं उनमें भी प्रदूषण रोकने के लिए पूरी ताकत लगाना। साथियों, आज इस चौतरफा काम का परिणाम हम सभी देख रहे हैं। आज नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 30,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर या तो काम चल रहा है या फिर पूरा हो चुका है। आज जिन प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है उनके साथ ही उत्तराखंड में इस अभियान के तहत चल रहे करीब करीब सभी बड़े प्रोजेक्ट्स पूरे हो चुके हैं। हजारों करोड़ के इन प्रोजेक्ट से सिर्फ 6 सालों में ही उत्तराखंड में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता करीब करीब 4 गुना हो चुकी है। साथियों, उत्तराखंड में तो स्थिति ये थी कि गंगोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ से हरिद्वार तक 130 से ज्यादा नाले गंगा जी में गिरते थे। आज इन नालों में से अधिकतर को रोक दिया गया है। इसमें ऋषिकेश से सटे मुनि की रेती का चंद्रेश्वर नगर नाला भी शामिल है। इसके कारण यहां गंगा जी के दर्शन के लिए आने वाले, राफ्टिंग करने वाले साहसिक साथियों को बहुत परेशानी होती थी। आज से यहां देश का पहला 4 मंजिला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट शुरू हो चुका है। हरिद्वार में भी ऐसे 20 से ज्यादा नालों को बंद किया जा चुका है। साथियों, प्रयागराज कुंभ में गंगा जी की निर्मलता को दुनिया भर के श्रद्धालुओं ने अनुभव किया था। अब हरिद्वार कुंभ के दौरान भी पूरी दुनिया को निर्मल गंगा स्नान का अनुभव होने वाला है और उसके लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। साथियों, नमामि गंगे मिशन के तहत ही गंगा जी पर सैकड़ों घाटों का सुंदरीकरण ये किया जा रहा है और गंगा विहार के लिए आधुनिक रिवर फ्रंट के निर्माण का कार्य भी किया जा रहा है। हरिद्वार में तो रिवर फ्रंट बनकर तैयार है। अब गंगा म्यूजियम के बनने से यहां का आकर्षण और अधिक बढ़ जाएगा। ये म्यूजियम हरिद्वार आने वाले पर्यटकों के लिए गंगा से जुड़ी विरासत को समझने का एक माध्यम बनने वाला है। साथियों, अब नमामि गंगे अभियान को एक नए स्तर पर ले जाया जा रहा है। गंगा जी की स्वच्छता के अलावा अब गंगा से सटे पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के विकास पर भी फोकस है। सरकार द्वारा उत्तराखंड सहित सभी राज्यों के किसानों को जैविक खेती, आयुर्वेदिक पौधों की खेती का लाभ दिलाने के लिए व्यापक योजना बनाई गई है। गंगा जी के दोनों ओर पेड़ पौधे लगाने के साथ ही ऑर्गेनिक फार्मिंग से जुड़ा कॉरिडोर भी विकसित किया जा रहा है। गंगा जल को बेहतर बनाने के इन कार्यों को अब मैदानी इलाकों में मिशन डॉल्फिन से भी मदद मिलने वाली है। इसी 15 अगस्त को
मिशन डॉल्फिन का ऐलान किया गया है। ये मिशन गंगाजी में डॉल्फिन संवर्धन के काम को और मजबूत करेगा। साथियों, आज देश उस दौर से बाहर निकल चुका है जब पानी की तरह पैसा तो बह जाता था लेकिन नतीजे नहीं मिलते थे। आज पैसा न पानी की तरह बहता है न पानी में बहता है, पर पैसा पाई पाई पानी पर लगाया जाता है। हमारे यहां तो हालत ये थी कि पानी जैसा महत्वपूर्ण विषय अनेकों मंत्रालयों और विभागों में बिखरा पड़ा हुआ था, बटा हुआ था। इन मंत्रालयों में, विभागों में न कोई तालमेल था और न ही समान लक्ष्य के लिए काम करने का कोई स्पष्ट दिशा निर्देश। नतीजा यह हुआ कि देश में सिंचाई हो या फिर पीने के पानी से जुड़ी समस्या, ये निरंतर विकराली होते गए। आप सोचिए, आजादी के इतने वर्षों बाद भी 15 करोड़ से ज्यादा घरों में पाइप से पीने का पानी नहीं पहुंचता था। यहां उत्तराखंड में भी हजारों घरों में यही हाल था। गांवों में, पहाड़ों में, जहां आना जाना तब मुश्किल हो, वहां पीने के पानी का इंतजाम करने में सबसे ज्यादा तकलीफ हमारी माताओं को, बहनों को, बेटियों को उठानी पड़ती थी, पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। इन समस्याओं को दूर करने के लिए देश की पानी से जुड़ी सारी चुनौतियों पर एक साथ ऊर्जा लगाने के लिए ही जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया गया। मुझे खुशी है कि बहुत ही कम समय में जल शक्ति मंत्रालय ने तेजी से काम संभालना शुरू कर दिया। पानी से जुड़ी चुनौतियों के साथ साथ अब यह मंत्रालय देश के गांवों में हर घर तक जल पहुंचाने के मिशन में जुटा हुआ है। आज जल जीवन मिशन के तहत हर दिन करीब करीब 1,00,000 परिवारों को शुद्ध पेयजल की सुविधा से जोड़ा जा रहा है। सिर्फ एक साल में ही देश के 2 करोड़ से ज्यादा परिवारों तक पीने का पानी पहुंचाया जा चुका है। यहां उत्तराखंड में तो त्रिवेंद्र जी और उनकी टीम ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सिर्फ 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देने का बीड़ा उठाया है। मुझे खुशी है कि उत्तराखंड सरकार ने साल 2022 तक ही राज्य के हर घर तक जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कोरोना के इस कालखंड में भी उत्तराखंड में बीते 4-5 महीने में 50,000 से अधिक परिवारों को पानी के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। ये उत्तराखंड सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है, कमिटमेंट को दिखाता है। साथियों, जल जीवन मिशन गांव और गरीब के घर तक पानी पहुंचाने का तो अभियान है ही, ये एक प्रकार से ग्राम स्वराज को, गांव के सशक्तिकरण को, उसके लिए भी एक नई ऊर्जा, नई ताकत, नई बुलंदी देने वाला अभियान है। सरकार के काम करने में कैसे बहुत बड़ा बदलाव आया है, ये उसका भी उदाहरण है। पहले भी सरकारी योजनाओं पर अक्सर दिल्ली में ही बैठकर फैसला होता था, किस गांव में कहां सोर्स टैंक बनेगा, कहां से पाइपलाइन बिछेगी, ये सब फैसले ज्यादातर राजधानियों में ही होते थे।
लेकिन जल जीवन मिशन ने अब इस पूरी परिपाटी को ही बदल दिया है। गांव में पानी से जुड़े कौन से काम हो, कहां काम हो, उसकी क्या तैयारी हो, ये सब कुछ तय करने का, फैसले लेने का अधिकार अब गांवों के लोगों को ही दे दिया गया है। पानी के प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेकर रख रखाव और संचालन तक पूरी व्यवस्था ग्राम पंचायत करेगी, पानी समितियां करेंगी। पानी समितियों में भी 50% गांव की बहनें हो, गांव की बेटियां हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। साथियों, आज जिस मार्गदर्शिका का विमोचन किया गया है वो इन्हीं बहनों बेटियों, पानी कमेटी के सदस्यों, पंचायत सदस्यों के सबसे ज्यादा काम आने वाली है। एक प्रकार की मार्गदर्शिका है और मेरा पक्का विश्वास है पानी की कठिनाई क्या होती है, पानी का मूल्य क्या होता है, पानी की आवश्यकता कैसे सुविधा और संकट दोनों लाती है, इस बात को हमारी माताएं बहनें जितना समझती हैं शायद ही कोई समझता है। और इसलिए जब इसका पूरा कारोबार माताओं बहनों के हाथ में जाता है तो बड़ी संवेदनशीलता के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ वे इस काम को निभाती हैं और अच्छे परिणाम भी देती हैं। ये गांव के लोगों को एक मार्ग दिखाएगी। ये किताब जो बनाई है वो छोटे मोटे निर्णय करने में, फैसले लेने में मदद करेगी। मैं समझता हूं जल जीवन मिशन ने गांव के लोगों को एक अवसर दिया है, अवसर अपने गांव को पानी की समस्याओं से मुक्त करने का, अवसर है अपने गांव को पानी से भरपूर करने का। मुझे बताया गया है कि जल जीवन मिशन इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती से एक और अभियान शुरू करने जा रहा है, 100 दिन का एक विशेष अभियान जिसके तहत देश के हर स्कूल और हर आंगनवाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। मैं इस अभियान की सफलता की शुभकामना देता हूं और मैं राज्य सरकारों से भी आग्रह करता हूं कि करने जैसा पवित्र काम है, राज्य सरकारें भी पूरी तरह इस जिम्मेवारी को अपने कंधे पर उठाएं और इस काम को 100 दिन में हम पूरा करके दिखाएं। साथियों, नमामि गंगे अभियान हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, ऐसे अनेक कार्यक्रम बीते 6 सालों के बड़े रिफॉर्म्स का हिस्सा है। ये ऐसे रिफॉर्म है जो सामान्य जन के जीवन में, सामाजिक व्यवस्था में हमेशा के लिए सार्थक बदलाव लाने में मददगार है। बीते 1-1.5 साल में तो इसमें और ज्यादा तेजी आई है। अभी जो संसद का सत्र खत्म हुआ है इसमें देश की किसानों, श्रमिकों और देश के स्वास्थ्य से जुड़े बहुत बड़े बड़े सुधार किए गए हैं। इन सुधारों से देश का श्रमिक सशक्त होगा, देश का नौजवान सशक्त होगा, देश की महिलाएं सशक्त होगी, देश का किसान सशक्त होगा। लेकिन आज देश देख रहा है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। साथियों, अब से कुछ दिन पूर्व देश ने अपने किसानों को अनेक बंधनों से मुक्त किया है। अब देश का किसान कहीं पर भी किसी को भी अपनी उपज बेच सकता है। लेकिन आज जब केंद्र सरकार किसानों को उनके अधिकार दे रही है तो भी ये लोग विरोध पर उतर आए हैं।
ये लोग चाहते हैं कि देश का किसान खुले बाजार में अपनी उपज नहीं बेच पाए। ये लोग चाहते हैं कि किसान की गाड़ियां जब्त होती रहें, उनसे वसूली होती रहें, उनसे कम कीमत पर अनाज खरीदकर बिचौलिए मुनाफा कमाते रहें। ये किसान की आजादी का विरोध कर रहे हैं। जिन सामानों की, उपकरणों की किसान पूजा करता है, उन्हें आग लगाकर ये लोग अब किसानों को अपमानित कर रहे हैं। साथियों, बरसों तक ये लोग कहते रहे एमएसपी लागू करेंगे, एमएसपी लागू करेंगे, लेकिन किया नहीं। एमएसपी लागू करने का काम स्वामीनाथन कमीशन की इच्छा के अनुसार हमारी ही सरकार ने किया। आज ये लोग एमएसपी पर ही किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। देश में एमएसपी भी रहेगी और किसानों को कहीं पर भी अपनी उपज बेचने की आजादी भी रहेगी, लेकिन यह आजादी कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इनकी काली कमाई का एक और जरिया समाप्त हो गया है, इसलिए इन्हें परेशानी है। साथियों, कोरोना के इस कालखंड में देश ने देखा है कि कैसे डिजिटल भारत अभियान ने जनतन जनधन बैंक खातों ने, रुपए कार्ड ने लोगों की कितनी मदद की है। लेकिन आपको याद होगा, जब यही काम हमारी सरकार ने शुरू किए थे तो ये लोग इनका कितना विरोध कर रहे थे। इनकी नजरों में देश का गरीब, देश के गांव के लोग अनपढ़ थे, अज्ञानी थे। देश के गरीब का बैंक खाता खुल जाए, वो भी डिजिटल लेन देन करे, इसका इन लोगों ने हमेशा विरोध किया। साथियों, देश ने ये भी देखा है कि जब वन नेशन वन टैक्स की बात आई, जीएसटी की बात आई, तो फिर ये लोग फिर विरोध करने के लिए मैदान में आ गए। जीएसटी की वजह से देश में घरेलू सामानों पर लगाने वाला टैक्स बहुत कम हो गया है। ज्यादातर घरेलू सामानें, रसोई के लिए जरूरी चीजों पर टैक्स अब या तो नहीं है या फिर 5% से भी कम है। पहले इन्हीं चीजों पर ज्यादा टैक्स लगा करता था, लोगों को अपनी जेब से ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे। लेकिन आप देखिए, इन लोगों को जीएसटी से भी परेशानी, ये उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका विरोध करते हैं। साथियों, ये लोग न किसान के साथ है, न नौजवान के साथ, और न ही देश के वीर जवान के साथ है। आपको याद होगा, जब हमारी सरकार वन रैंक वन पेंशन लाई, उत्तराखंड के हजारों पूर्व सैनिकों को भी उनका अधिकार दिया, तो ये लोग इसका भी विरोध कर रहे थे। वन रैंक वन पेंशन लागू करने के बाद से सरकार पूर्व सैनिकों को लगभग 11,000 करोड़ रुपए एरियर के तो दे चुकी है। यहां उत्तराखंड में भी 1,00,000 से ज्यादा पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिला है, लेकिन इन लोगों को वन रैंक वन पेंशन लागू किए जाने से हमेशा दिक्कत रही। इन लोगों ने वन रैंक वन पेंशन का भी विरोध किया। साथियों, बरसों तक इन लोगों ने देश की सेनाओं को, देश की वायुसेना को सशक्त करने के लिए कुछ नहीं किया। वायुसेना कहती रही कि हमें आधुनिक लड़ाकू विमान चाहिए, लेकिन ये लोग वायुसेना की बात कभी नहीं सुनी, उसको नजरअंदाज करते रहे। जब हमारी सरकार ने सीधे फ्रांस सरकार से
रफाल लड़ाकू